Hello students, ocean water is saline and not fit for human consumption. कि जो समंदर का पानी है ये saline होता है. Saline यानी कि नमकीन, यानी कि खारा. It is not fit for human consumption. कि ये इस लायक नहीं होता कि इंसान समंदर का पानी पिए. अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि इंसानों को समंदर का पानी नहीं पीना चाहिए? तो इससे related एक fun fact बताता हूँ मैं आपको. अगर कोई आदमी समंदर का पानी पीने लग जाए रेगुलर बेसिस पे, तो कुछ ही दिन में उसकी मौत हो जाएगी. और उसकी मौत का जो कारण होगा वो होगा डिहाइड्रेशन, यानी कि वो मरा है पानी की कमी की वजह से. और जबकि उन दिनों में उसने बहुत ज़्यादा पानी पिया होगा, फिर भी वो पानी की कमी से मरा होगा. बहुत अजीब सी बात है, पैराडॉक्स वाली सिचुएशन है. तो इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ ऐसा क्यों होता है. हमारी बॉडी करीब 72% वाटर होती है, और हमारी बॉडी में करीब करीब 1% सॉल्ट्स होते हैं. अब समंदर का पानी खारा होता है, उसमें सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. तो अगर कोई आदमी वो समंदर का पानी पिए तो उसकी बॉडी में सॉल्ट्स बहुत बढ़ जाएंगे अचानक से, और जबकि सॉल्ट्स सिर्फ 1% होने चाहिए हमारी बॉडी में. तो अब हमारी बॉडी में सॉल्ट बढ़ जाएगा, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? हमारी बॉडी उस चीज़ को बैलेंस में लाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी में तमाम केमिकल्स हैं जो कि एक बैलेंस में होने चाहिए. ज़रा सा भी इम्बैलेंस हुआ तो बहुत गड़बड़ है. तो हमारी बॉडी उन सॉल्ट्स को बैलेंस कैसे करेगी? उनको डाइल्यूट करके. अब डाइल्यूट करने के लिए, किसी चीज़ को डाइल्यूट करने के लिए क्या चाहिए होता है? पानी. तो हमारी बॉडी क्या करेगी, जो पानी है हमारी बॉडी में उसी का यूज़ करेगी इन सॉल्ट्स को डाइल्यूट करने के लिए. अब हमारी बॉडी में पानी कम होगा. अब जब पानी कम होगा तो वो बंदा और पानी पिएगा. अब जब वो और पानी पिएगा तो उसकी बॉडी में सॉल्ट्स और ज़्यादा बढ़ेंगे. सॉल्ट्स और ज़्यादा बढ़ेंगे तो उसकी बॉडी और पानी यूज़ करेगी उन सॉल्ट्स को डाइल्यूट करने के लिए, और ये सिलसिला चलता जाएगा जब तक कि फाइनली वो आदमी मर नहीं जाता पानी की कमी से. बहुत अजीब सी बात है. खैर, फ्रेश वाटर इज अबाउट 3% ऑफ द टोटल वाटर ऑन अर्थ. जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर यानी कि जो पीने लायक पानी है, या कहा जाए जो मीठा पानी जिसको कहते हैं, वो हमारे पूरे अर्थ में जितना भी पानी उसका सिर्फ 3% है. अब इस 3% फ्रेश वाटर का भी 70% हिस्सा जो है वो कहाँ है? वो आइस शीट्स के फॉर्म में है और ग्लेशियर्स के फॉर्म में है. और ये आइस शीट्स और ग्लेशियर्स, ये बर्फ के फॉर्म में 70% पानी. आप थोड़ा सा इस चीज़ को महसूस करिए. सिर्फ 3% पानी फ्रेश वाटर है. इस 3% का भी 70% हिस्सा ग्लेशियर्स और आइस शीट्स के फॉर्म में है, अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में और पहाड़ों में. ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल. हमारे पास सिर्फ 1% है पानी का जिसको हम यूज़ करते हैं. अब इट इज़ फाउंड, अब जितना भी पानी हम यूज़ करते हैं जो पीने लायक है, ये बेसिकली तीन फॉर्म्स में होता है. सबसे पहले ग्राउंड वाटर, जो ज़मीन के नीचे जो पानी होता है, जिसको सबमर्सिबल पंप्स लगा के, मोटर पंप लगा के निकाला जाता है, वो होता है ग्राउंड वाटर. दूसरा होता है सरफेस वाटर, और ये सरफेस वाटर यानी कि जो ज़मीन की सतह पे पाया जाता है. सरफेस वाटर कहाँ होता है? नदियों में जो पानी होता है या फिर जो झीलों में जो पानी होता है, वो होता है सरफेस वाटर. और इसके अलावा वाटर किस में एग्जिस्ट करता है? वाटर वेपर्स के फॉर्म में, यानी कि भाप के फॉर्म में. और ये वाटर वेपर्स कहाँ होते हैं? एटमॉस्फेयर में. जो बादल हैं, बादल भी तो वाटर वेपर्स से बने होते हैं. तो पानी इन तीन फॉर्म्स में अवेलेबल होता है. एक तो अंडरग्राउंड वाटर जो ज़मीन के नीचे, एक सरफेस वाटर जो सतह पे है, जो ये नदियों में है, झीलों में है, और एक वाटर वेपर्स जो कि जिससे बादल बनते हैं. फ्रेश वाटर इज़ देयरफॉर द मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ. फ्रेश वाटर इस वजह से दुनिया का सबसे कीमती चीज़ है, क्योंकि हम उसके बिना जी नहीं सकते. हमारे जीने के लिए ज़रूरी है और फ्रेश वाटर बहुत कम है. वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ. हमारे अर्थ में जितना भी पानी है वो कांस्टेंट है. आप उस पानी को बढ़ा नहीं सकते, उस पानी को घटा नहीं सकते, वो उतना ही है, वो कांस्टेंट है.
अब डिस्कस करते हैं वाटर साइकिल। अब जो पानी है हमारे अर्थ में, जितना भी पानी है, ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ही जगह पे रहता है। कि मान लीजिए समंदर का जो पानी है, किसी भी समंदर का, वो उसी समंदर में रहेगा, ऐसा नहीं है। पानी हमेशा एक साइक्लिक प्रोसेस फॉलो करता है, ठीक है। पानी के साइकिल्स होते हैं और पानी हमेशा एक कांस्टेंट मोशन में रहता है। अब इसका क्या मतलब है कि पानी एक कांस्टेंट मोशन में रहता है और ये साइक्लिकल प्रोसेस है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए जो पानी समंदर में है, वो समंदर का पानी भाप बनेगा। इस चीज़ को कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यानी कि पानी का भाप बनना। तो समंदर का पानी इवेपोरेट होगा और वो भाप बनेगा, और भाप बनने के बाद अब वो गैस बन चुका है, तो वो आसमान में ऊपर उठेगा और बादल बनेगा। अब जब ऐसे बादल इकट्ठा होंगे तो उनको हवाएं इधर उधर ले जाएंगी अलग अलग जगहों पे, और टाइम के साथ वो बादल फिर ठंडे होते हैं, और जब बादल ठंडे होते हैं तो फिर क्या होता है, कंडेंसेशन, यानी कि वो जो भाप है वो दोबारा से पानी में चेंज होगा। अब जब वो भाप पानी में चेंज होता है तो फिर क्या होता है, वो पानी उन बादलों से गिरता है ज़मीन में, और इस चीज़ को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन, यानी कि रेनफॉल, जो बारिश होती है, या फिर प्रेसिपिटेशन। अब वो जो पानी गिरता है बादलों से, वो पानी फिर से नालों के थ्रू, नदियों के थ्रू, वो वापस फिर से जाके समंदर में मिल जाएगा, और अब की बार वो किसी और समंदर में होगा मे बी शायद। तो इस तरीके से जो पानी है, कहीं कभी पानी, वो साइक्लिक प्रोसेस में घूमता रहता है। वो पानी तमाम जानवरों के थ्रू होके गुजरता है, तमाम इंसानों के थ्रू होके गुजरता है, तमाम सब कामों के थ्रू होके गुजरता है, वो एक पूरी साइकिल चलती है। Humans use large amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production. अब जो हम इंसान हैं वो पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, अलग अलग चीज़ों को धोने के लिए यूज़ करते हैं, इसके अलावा तमाम चीज़ों के प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। अब जैसे ये टी शर्ट है, ये टी शर्ट जब कपास से बनी होगी, कॉटन से बनी होगी, वहाँ से लेकर इस टी शर्ट को इस स्टेज तक लाने तक में बहुत पानी लगा होगा, और ये सिर्फ कपड़े बनाने के लिए नहीं, किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में बहुत पानी लगता है। वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वॉयर्स आर अदर यूजेस। अब पीने के अलावा या चीज़ों के साफ़ सफाई के लिए, और इसके अलावा तमाम चीज़ों के प्रोडक्शन को छोड़कर पानी और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में खेती करने के लिए बहुत पानी यूज़ होता है, और इसके अलावा अब पानी हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए पानी का यूज़ करते हैं। कहाँ, किस तरीके से, हम डैम्स बनाते हैं या फिर रिजर्वॉयर्स बनाते हैं, इन रिजर्वॉयर्स का फिर हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो हम तमाम चीज़ों से हम पानी का यूज़ करते हैं। अब अगला टॉपिक है डिप्लीशन ऑफ वाटर, यानी कि पानी का कम होना। अब पानी जो है उसका डिप्लीशन हो रहा है, पानी कम होता चला जा रहा है। अब उसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की नीड्स बढ़ रही हैं, रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, अब जितने लोग उतना ज़्यादा पानी चाहिए। राइजिंग डिमांड ऑफ फूड एंड कैश क्रॉप्स, लोग बढ़ रहे हैं, इस वजह से आपको ज़्यादा फूड चाहिए, ज़्यादा अब आपको खेती करनी पड़ेगी, ज़्यादा फसलें चाहिए, अब खेती करने के लिए भी ज़्यादा पानी चाहिए होता है। इसके अलावा इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, शहर बढ़ते जा रहे हैं, कॉलोनीज़ बढ़ती जा रही हैं, इस वजह से फिर पेड़ काटे जा रहे हैं, इस वजह से फिर बारिश कम हो रही है, इस वजह से भी पानी कम हो रहा है। ड्राइंग अप ऑफ वाटर रिसोर्सेज, अब जब अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहर बढ़ रहे हैं, तो जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो हो नहीं पा रहा है ढंग से, जितना होता है उससे ज़्यादा हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो नहीं पा रहा है, तो इस वजह से क्या होता है, जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो सूख जा रहे हैं। कि अब हैंडपम्प, जहाँ पे पहले पानी आता था वो हैंडपम्प सूख रहे हैं, जहाँ जिन कुओं में पहले पानी आता था वो कुएँ सूख रहे हैं। इसके अलावा वाटर पोल्यूशन, जो पानी थोड़ा बहुत है भी, वो पानी में इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि वो पानी यूज़ करने लायक नहीं बचता है। इसके अलावा द राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने की वजह से भी पानी कम हो रहा है।
ऐसा क्यों? अब जैसे आप गांव देहात में चले जाइए, वहाँ लोग अगर मान लीजिए किसी आदमी को नहाना है तो बाल्टी मग्घा का यूज़ करके नहाएगा। अब अगर कोई आदमी बाल्टी मग्घा का यूज़ करके नहाएगा तो कितना पानी यूज़ कर लेगा? एक बाल्टी, दो बाल्टी, तीन बाल्टी, कितना यूज़ कर लेगा? लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, अच्छे खासे लोग बाथरूम्स बनवा लेते हैं, उसमें शावर लगवा लेते हैं। अब अगर कोई आदमी 20 मिनट शावर से नहाता है तो उसको रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन वो दसियों बाल्टी पानी खर्च कर चुका होता है सिर्फ एक बार नहाने में। उतने पानी में तो 5 लोग क्या 10 लोग नहा चुके होते हैं। तो अब राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोग बाथटब में नहाते हैं, अब हर जगह लोगों को वॉश बेसिन चाहिए, हर जगह नल चाहिए, बहुत ज़्यादा राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की वजह से लोग बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं। तो ये सब बेसिकली मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर। देयर इज़ अ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। स्कैर्सिटी यानी कि कमी। तो दुनिया के कई सारे रीजन्स हैं जहाँ पानी की बहुत कमी हो रही है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया एक्सेट्रा आर फेसिंग शॉर्टेजेस इन फ्रेश वाटर सप्लाई। दुनिया के ऐसे बहुत इलाके हैं, जैसे अफ्रीका का एक अच्छा खासा इलाका है, वेस्ट एशिया का, साउथ एशिया का, जहाँ साउथ एशिया जहाँ हमारा देश आता है, तो ये सब तमाम एरिया हैं जहाँ बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो रही है, बहुत कमी हो रही है फ्रेश वाटर की। फ्रेश वाटर यानी कि पीने लायक पानी। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स फेस मोर प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। जो देश क्लाइमेटिक जोन्स में है, ठीक है, अब क्लाइमेटिक जोन्स में जो देश हैं वहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है और वहाँ कई, अब बारिश अगर थोड़ा सी भी कम हो तो वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो ऐसे देश बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं वाटर स्कैर्सिटी का।